गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 24, 21 मई 2020। दिस वीडियो फॉर क्लास 12th। स्टूडेंट, टुडे वी स्टडी ए न्यू चैप्टर इंटीग्रल। स्टूडेंट्स, पिछले क्लासों में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा, उसके पहले हमने स्कूल में डेरिवेटिव पढ़ा हुआ था। अब यहाँ हम लोग इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। इंटीग्रल को एक रूप में हम एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, जैसा कि हमने डिफिनेशन के तौर पे आपके सामने लिखा हुआ है। ध्यान देंगे कि द फंक्शन दैट कुड पॉसिबली हैव गिवन फंक्शन एज ए डेरिवेटिव आर कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। कहने का मतलब, ऐसा पॉसिबल हो कि कोई फंक्शन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दे रहा हो तो उसे हम एंटी डेरिवेटिव कहेंगे या प्रोमिटिव कहेंगे ऑफ द फंक्शन, उस फंक्शन का। फिर द फार्मूला दैट गिव्स ऑल दिज एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इनडिफिनिट इंटीग्रल। अब जिस फार्मूले के थ्रू आप उस डेरिवेटिव को वापस ला रहे हैं, उस फार्मूले को हम इनडिफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। ऑफ द फंक्शन एंड सच प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। और जिस प्रोसेस के थ्रू आप उस डेरिवेटिव को वापस ला रहे हैं, उस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। यानी अगर कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव फाइंड किया है यानी डिफरेंशिएट किया है आपने, और एक नए प्रोसेस के थ्रू अगर हम पहले वाले फंक्शन को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो उस फंक्शन को ही हम एंटी डेरिवेटिव कह सकते हैं, और उस प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू हमने प्राप्त किया है उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। अब कुछ फार्मूले हैं, जैसे देखिए एक्स टू द पावर एन डी एक्स, अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो होता क्या है, एक्स और जो पावर है उस पावर में वन प्लस करके एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपान उसी पावर को नीचे फिर वन प्लस करके लिख देते हैं एन प्लस वन, और प्लस सी जो एक कॉन्स्टेंट टर्म है। कि हम जानते हैं किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है, तो ये मान के चलते हैं कि हो सकता हो उस फंक्शन में कोई कांस्टेंट टर्म रहा हो जिसका डिफरेंशिएशन करने पे जीरो हो गया हो, इसलिए हम अपने पास एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर देते हैं। फिर नेक्स्ट फार्मूला है एफ डी एक्स, एफ कहें या इसको हम इंटीग्रेशन डी एक्स कह सकते हैं। तो यहाँ कुछ नंबर ने इसका मतलब वन लेट कर सकते हैं कि वन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस सी। फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स होता है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स होता है, वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स होता है, वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स होता है, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है, वन अपान एक्स का लॉग एक्स होता है, ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स अपान लॉग ए होता है, वन अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का सेक इनवर्स एक्स होता है, फिर वन अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन यानी उसी का हम माइनस कोसेक एक्स भी, कोसेक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, जैसे फर्स्ट है कि अगर दो फंक्शन प्लस के फॉर्म में है, उनका इंटीग्रेशन करना है तो उनका अलग अलग इंटीग्रेशन करके भी प्लस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कॉन्स्टेंट टर्म है, उस कॉन्स्टेंट टर्म को आसानी से बाहर निकाल देते हैं और फिर गिवन फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इस क्रम में एक एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं कि फाइंड एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो गिवन दैट एक्स क्यूब अपान माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर, हम एक्स स्क्वायर का अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, तो एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स हो जाएगा माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स, फिर माइनस एक्स पे माइनस टू पावर हो जाएगा, फिर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान टू, यानी इस पर वन पावर है और वन पावर ऐड करना है तो वन प्लस वन टू हो जाएगा और अपान टू, तो एक्स स्क्वायर अपान टू माइनस, यहाँ भी देखिए
कि एक्स पे माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन, ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपान टू प्लस एक्स टू द पावर माइनस वन अपान माइनस वन, यहाँ होगा तो माइनस माइनस से प्लस हो गया है प्लस सी, फिर एक्स स्क्वायर अपान टू प्लस वन अपान एक्स प्लस सी, तो आपका एक्स स्क्वायर अपान टू प्लस वन अपान एक्स प्लस सी। तो इस तरह से आपको आंसर मिल गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आप इंटीग्रेशन करेंगे, जो नहीं आएगा पूछेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन दिया जाएगा। थैंक यू।